फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग फोटोशॉप में ही कुछ नया चीज जानेंगे। जो भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो और वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत कोई होते हैं क्या कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते, स्किप कर करके देखते हैं। इससे क्या होता है, कुछ पार्ट्स आप नहीं सीख पाइएगा, मिस कर दीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा, सीख जाइएगा। और कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। बगल में आपको कंप्यूटर स्क्रीन में सारा चीज दिखेगा, ठीक है। मैं फोटोशॉप ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये इमेज है, तो ये इमेज है, सही है, लेकिन इस इमेज में जो इफेक्ट मैं डाला हूं, ये आप लोग को दिख रहा होगा कि कोई आपका विंडो जो होता है, विंडो इफेक्ट, वो दिया हूं मैं। क्योंकि देखिए इधर ये सब जो देख रहे हैं, ये विंडो इफेक्ट के तौर पर लग रहा होगा कि पीछे उधर से सनलाइट आ रहा है, उसका इस पर शेडो पड़ा हुआ है, लाइट पड़ा हुआ है। तो आराम से इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे करेंगे, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको तैयार करते हैं, उसके लिए हम लोग को इसका एक ओरिजिनल फोटो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये फोटो है, देखिए इसमें कोई विंडो इफेक्ट नहीं ना है। मैं इसमें विंडो इफेक्ट डाला हूँ, ठीक है। तो उसी तरह अभी हम लोग कोई दूसरे फोटो में करेंगे। सपोज एक फोटो मैं यहाँ पर खोल के रखा हूँ, इसमें हम लोग विंडो इफेक्ट डालेंगे। तो कैसे डालेंगे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा बढ़िया तरह से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो पहला, ये तो फोटो लेना है, कहीं से ओपन कर लीजिए, कोई भी फोटो ले लीजिए, ठीक है। इसमें एक लेयर क्रिएट कर लीजिए। क्या करना है, एक लेयर क्रिएट कर लेना है। लेयर क्रिएट करने के बाद सिलेक्शन टूल को यूज कीजिए। जहां पर आपको लेना है उसकी जगह पर आप सिलेक्शन कर दीजिए, जहां से आपको लेना है। मान लीजिए यहां से मुझे लेना है, इस तरह का सिलेक्शन हम कर दिए, ठीक है। करने के बाद इसे जितना तक लेना है सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद ब्रश टूल का यूज करेंगे। कलर रखेंगे व्हाइट, ठीक है, व्हाइट कलर रखेंगे। और इसे ब्रश टूल की मदद से हम लोग इसे व्हाइट कलर से कलर कर देंगे, ठीक है। अब कंट्रोल डी से हटा देंगे, मूव टूल का यूज करेंगे। अब इसका एक कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट प्रेस करके रखते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक कॉपी बन गया इसका। अब दोनों को सिलेक्शन हम लोग कर लेते हैं एक बार में, कर लिए। अब फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सिलेक्शन लेयर को। अब ये हो गया कि दो ठोका ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया, ठीक है। फिर से अब हम लोग को करना है तो, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट, सबके को सिलेक्ट कर लेते हैं, कर लिए। एक बार में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। एक जैसा और जाएगा नीचे, ठीक है, हो गया। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देखिएगा, जैसा आपको लगे। एक और कर देते हैं, उसके बाद एक और एक कर देते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं, इधर का छोड़ देते हैं, ठीक है।
आप अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट करने के बाद इतना हो गया, अब इसे हम लोग इसमें कट इफेक्ट एक डालना होगा जो कि कट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले काम करते हैं, पहले एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। ग्रुप करने के लिए कुछ नहीं है, कंट्रोल करके सबको को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको जिसको ग्रुप करना है आपको। इस तरह होगा क्या कि सब एक जगह रहेगा, इसमें लेयर इफेक्ट अधिक है इसलिए कंट्रोल प्लस जी कर देते हैं, एक ग्रुप बन गया ये, ठीक है। ग्रुप बन गया। अब दूसरा, जिस जहां पर भी हमको करना है इसमें से पहले सिलेक्शन कर लेते हैं और यहां से यहां से सिलेक्शन कर लिया, ज्यादा कुछ हो गया था, दूर जा रहा था, यहां तक सिलेक्शन कर लिया इसका, ठीक है। और इसमें भी हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं यहां से, ये आपको एडजस्टमेंट खुद से करना होगा कि कितना लेना है। एक मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, इस बार कर लेंगे। ठीक है, इतना एडजस्टमेंट ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके रखे हैं ताकि हम लोग को प्लस करना है सिलेक्शन, यहाँ से प्लस करेंगे ये, करके छोड़ देंगे, ठीक है। सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इरेजर, इरेजर टूल का यूज करना है और इसे हटाते जाना है। देखिए इसे हटाए, यहां से हटाए और सबको उसी तरह हटाते जाइएगा, एक एक करके तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा समय हल्का सा लगे। देखिए हटा रहे हैं सारा एक एक करके। सिलेक्शन करने से होता क्या कि उतना ही शेप का वो ऑटोमेटिक दूसरी जगह कटेगा नहीं। देखिए कट कर दिया हम लोग, कट करने के बाद कंट्रोल डी से हटा लिए और हम लोग इसे ग्रुप कर लिए, ठीक है, ग्रुप में कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे। मान लीजिए हमको कहाँ रखना है, खिड़की मेरा कितना कहाँ पर रहना है, कितना साइज में है, वो एडजस्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लिया इतना इतना पे, ठीक है, एडजस्टमेंट कर लिया आपका इस तरह का है तो ठीक है, नहीं अगर मान लीजिए हल्का तिरछा इफेक्ट में है तो तिरछा इफेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा चौड़ा लग रहा है तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके छोटा भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा खिड़की का साइज यही है और इस साइज का इफेक्ट मेरा दिया हुआ है, ठीक है, कर लिए, एडजस्टमेंट हो गया। अब जैसे एडजस्टमेंट हो पूरा कंप्लीट कर लिए, अब हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, क्या करना है, यहाँ पर ग्रुप में ही रहने दीजिएगा इसे और यहाँ जाना है हम लोगों को सिर्फ सॉफ्ट लाइट इफेक्ट में जाकर के इसे एडजस्ट करना है, सॉफ्ट लाइट, ठीक है। अब ये देखिए सॉफ्ट लाइट जैसे ही कर रहे हैं हम लोग, देखिए ये पीछे का इफेक्ट में चला गया और ये देखिए, देख रहे हैं बढ़िया से आ गया ना देखने में,
क्योंकि ये येलो वाला इफेक्ट है इसलिए आपको इस तरह दिख रहा है। इसको अगर हम लोग कम कर ले लाइटिंग तो अच्छा से दिखेगा। जैसे हम लोग इसका लाइटिंग इफेक्ट थोड़ा कम करने के लिए हम लोग थोड़ा सा और एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को देखिए दिख रहा कि इतना बढ़िया से जिस तरह आप एडजस्ट करना चाहते हैं उस तरह कर लीजिए। मेरा खिड़की का देखिए, मैंने लाइटिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम कर दिया अंदर शेडो के हिसाब से, तो उसके हिसाब से कर दिया तो देखिए ये लाइटिंग इफेक्ट आ गया। ठीक है, अब एक चीज इसमें और आप कर सकते हैं, इसको इसका शैडो इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं। आप लोग को वीडियो में मैंने बताया था कि शैडो इफेक्ट कैसे बनाते हैं, वो आप इसका शैडो इफेक्ट अगर डालिएगा तो और अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो इसी तरह की मजेदार वीडियो सिर्फ आपको कहां पर मिलेगी, देखिए ये और ये देख रहे इसमें लाइटिंग इफेक्ट इसका थोड़ा अधिक मैंने रखा है और इसका कम, और पूरा में है इसलिए आपको ज्यादा दिख रहा है। अगर वही कम में रहता तो इसमें भी थोड़ा सा लगता, लेकिन मैं पूरा में किया हूँ। ठीक है, तो इसी तरह की मजेदार वीडियो सिर्फ आपको एक ही जगह मिलती है, कहाँ पर? ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन देवघर में। इसलिए जब जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।